हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि छोटी छोटी वीडियोस कैसे बनाते हैं, यानी रील्स, शॉर्ट्स और जो भी हो। लेकिन वीडियोस तो कोई भी बना लेता है, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, भाई हाउ टू शूट हाई क्वालिटी रील्स विद M50 Mark II विद किट लेंस एंड एडिटिंग ऑल्सो प्लीज। ओके, ऐसा कभी हो सकता है कि आप कहो और मैं ना सुनूं? आज के इस वीडियो में रील शूट करने से लेके बेस्ट कैमरा सेटिंग, कट, ऑडियो सिंक, एक्सपोर्ट, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो आज के इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं कैनन M50 Mark II, क्योंकि मेरे पास वही है। आप कोई भी कैमरा या फिर फोन को यूज कर सकते हो, और हम यूज करने वाले हैं बेसिक किट लेंस। तो चलिए शुरू करते हैं कैमरा सेटिंग से। देखो गाइस, आपको इंडोर और आउटडोर शूट करने के लिए आपको अलग अलग वीडियो सेटिंग्स रखने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंडोर सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग यार अपने रील्स को इंडोर ही शूट करते हैं। लेकिन अगर आप आउटडोर शूट करना पसंद करते हो तो आप जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कैमरा सेटिंग्स के बारे में। आप अपने हिसाब से मस्त कैमरा सेटिंग्स कर पाओगे। अभी के लिए जो मेरे कैमरा सेटिंग्स है वो हैं शटर स्पीड 40, ISO 1250 और एपर्चर हमारा लोएस्ट। और यहाँ पे अपना जो कैमरा है उसको 60 FPS जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, रील्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो कैमरा है उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको आपको लॉक कर देना है, ताकि आपके जो कैमरा की वीडियो है वो रोटेट ना हो जाए। अब आपको अपना जो कैमरा है उसको एक ट्राइपॉड पे सेट कर लेना है। चलिए वीडियो शूट करते हैं और मैं आपको एडिटिंग भी बताऊंगा। तो देख लो गाइस, ये रहा मैं, और यहाँ पे मैं अपने जो वीडियो है इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मतलब 4 घंटे तो नहीं लगे, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट तो लगा ही मुझे ये वीडियो को शूट करने में। तो सबसे पहले हम नूबड़ा बन के शूट किए हैं इस वीडियो को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपने स्टाइल में, मतलब जो भी आप अपने बैकग्राउंड में लाइट्स वाइट लगाना चाहते हो और अपने जो भी ड्रेस वगैरह पहनना चाहते हो उसको आप कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम जो अपना नेक्स्ट ट्रांजिशन जो रील है, मतलब सेकेंड हाफ जो है, उसको यहाँ पे हम शूट कर लेते हैं। ठीक है, अब शूट करने के बाद मैं आपको एडिटिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जो शर्ट है उसको मैं पहन लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक चश्मा भी लगा लेता हूँ जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद गाइस चलिए हम अपने वीडियो को शूट करते हैं अपने म्यूजिक के साथ। और म्यूजिक मेरा यहाँ पे लैपटॉप में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शूट करते हैं और बढ़ते हैं आगे एडिटिंग की तरफ। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम अपना जो रील्स है उसको हम एडिट करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, चाहे वो मोबाइल का ऐप हो या फिर कोई भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का सॉफ्टवेयर हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। हर एक दोस्तों एप्लीकेशन में ये जो प्रोसेस होता है वीडियो एडिटिंग का वो सेम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने रील्स को कट करेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी हमें चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने ऑडियो को सिंक करेंगे, यानी जो भी म्यूजिक होता है। फिर दोस्तों हम उसके अंदर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे, फिर हम अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें न्यू प्रोजेक्ट का एक बटन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हम एक टाइटल दे देते हैं, रील्स। ठीक है, और ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो भी रील्स का वीडियो है, ये दोनों दोस्तों हमारा ट्रांजिशन वीडियो है रील्स का, और ये म्यूजिक वीडियो है, तो इन दोनों को ही मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो वीडियो का गैस ओपन करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको उठा के ला के यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ला के इसको रख दिया है, और इसके बगल वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी हमने यहाँ पे ला के रख दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने वीडियो को कट कर लेते हैं जहाँ पर भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चाहिए, तो यहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, कट वाले टूल का। और यहाँ पर खाली स्पेस को मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। ठीक है, डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद सबसे पहला वाला जो हमारा वीडियो है वो कुछ यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक हम इसको कर देते हैं। और इसको दोस्तों हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। अब हमारा एक पार्ट जो है वो हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट कुछ इस तरह से। अब हम आगे वाला पार्ट हम थोड़ा सा एडिट करेंगे जो हमने वीडियो शूट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं बेस्ट पार्ट इसमें से 2-3 बार दोस्तों यहाँ पर मेरे को रीटेक लेना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हम अपना जो वीडियो है उसको हम देखते हैं कौन सा यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक मैं ड्रैग कर देता हूँ इसको, और बीच में एम्प्टी स्पेस को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो म्यूजिक वाला वीडियो है ये वाला, तो इसके ऊपर हम डबल टैप करेंगे और हमारा वीडियो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ इसका जो ऑडियो है उसको हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे लाके हम रख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे हो चुका है रेडी। चलिए थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं।
तो यहाँ तक मुझे और कट करना पड़ेगा। ओके तो गाइस यहाँ तक ही मुझे वीडियो चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप कट भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लोमो भी ऐड करना चाहूँगा, तो चलिए स्लोमो को भी ऐड करते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके तो यहाँ तक मुझे वीडियो चाहिए, मतलब मेरा रील। इसको क्रॉप कर लेते हैं। और गाइस इसको आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो को पकड़ना है, इसको ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिल जाता है, जिसको कि हमें 50% कर लेना है और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये देखो गाइस हमारा वीडियो जो है वो स्लो मो हो चुका है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके जो हमारा जो वीडियो के साथ हमारा जो ऑडियो है वो भी है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अनलिंक कर देंगे। ठीक है, अरे ग्रुप कर दिया मैंने गलती से, अनलिंक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो ऑडियो है इसका, इसको हम डिलीट कर देंगे, तो इसको हम थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि ये है कि यहाँ पे अगर आप एफएक्स के अंदर जाते हो और वीडियो एफएक्स के अंदर अगर आप चले जाओगे यहाँ, मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर, वीडियो ट्रांजैक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम यूज़ करके देखते हैं कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है। तो अब गैस हमारी जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस कलर वाले पैनल के अंदर जाते हैं और इस वाले वीडियो को हम सेलेक्ट करते हैं, हमारा पहले वाला, और इसकी जो सैचुरेशन है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि तो दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा, मतलब लो सैचुरेशन टाइप का। तो सैचुरेशन में हम चलते हैं यहाँ पे, ये रहा दोस्तों सैचुरेशन, तो इसको हम कम कर देते हैं थोड़ा सा बस। और इसमें दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत है, वैसे अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। लेकिन हमारी जो वीडियो है वो गाइस यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऑडियो दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वैसे ये वीडियो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसको आपको सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप यहाँ पे आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको रखना है डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, और इसका आप नाम भी दे सकते हो, तो सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सिंपली अनटिक करके 60 FPS कर लेना है। ठीक है, ओके तो एक्सपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। अपलोड व अपलोड करना तो आप सभी को आता ही है यार, वैसे ही इंस्टाग्राम पे जाते जाते मेरे को फॉलो जरूर कर लेना और ये कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और फेस स्मूथिंग के लिए ये वाला वीडियो, और बाकी सब तो आप सभी को पता है क्या क्या करना है, तो कर दो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।